अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट पेस्ट्री। ये बहुत डिलीशियस है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल, और बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही डिलीशियस है खाने में। यहाँ पर हमने छन्नी ली, छन्नी के अंदर डालेंगे हम 1 कप और आधा कप मैदा, इसे हम छान लेंगे। अभी उसी छन्नी में हम डालेंगे 1 कप पीसी हुई शुगर, 1/4 कप कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 चुटकी नमक डालेंगे, 1/4 कप मिल्क पाउडर डालेंगे। हमने जिसने कोको पाउडर 1/4 कप लिया था, उसी कप से हमने मिल्क पाउडर भी लिया, इसलिए आपको थोड़ा सा इधर ब्राउन लग रहा होगा। तो हम सभी चीज़ों को छान लेंगे। यहाँ पर हमने एक बाउल लिया, इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप मिल्क। यहाँ पर हमारा जो मिल्क हो है वो रूम टेम्परेचर होना चाहिए, ना ही ज़्यादा ठंडा फ्रिज का, ना ही गर्म। 1 टीस्पून विनेगर डालेंगे, मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून वेनिला एसेंस डालेंगे, 1/4 कप ऑयल और मिक्स करेंगे। अभी हम इसके अंदर ड्राई बैटर डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा और मिक्स करते जाएंगे। हमें हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर हमने एक केक का मोल्ड लिया है, जिसे हमने पेपर लगा के रखा है, उसे हमने ऑयल लगा लिया है। अगर आपके पास बैटर पेपर है तो आप वो भी ले सकते हैं। हमारा केक का बैटर डालेंगे और 1-2 बार टैप करेंगे। यहाँ पे हमने तवा गर्म होने रखा है, इसके ऊपर हम हमारा केक का मोल्ड रखेंगे और इसे हम लो फ्लेम पे 30 से 35 मिनट के लिए बेक करेंगे। लो फ्लेम पे, तो ये देखिए 35 मिनट हो चुके, तो हमारा केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है। तो ये देखिए टूथपिक भी एकदम क्लीन आ रही है। अभी हम इसे ठंडा कर लेंगे। हमारा केक भी ठंडा हो चुका है, तो आप इस तरह से चाकू से साइड पे इस तरह से कट्स लगा ले, तो ये हमारा केक आसानी से निकल गया है। अभी हमने जो पेपर लगा के रखा है उसे हम निकाल लेंगे। तो ये केक बहुत ही सॉफ्ट बना है, आप भी इस तरह से बनाएं। ये बहुत ही सॉफ्ट है। यहाँ पर हमने 1 कप व्हीप क्रीम लिया है, जिसे हम बीट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसे बीट कर लिया है। हमारे केक का स्पंज ठंडा हो चुका है, तो इसके अभी हम कट करेंगे इसे। अब हम इसे 3 स्लाइस में कट करेंगे। केक बहुत ही सॉफ्ट बना है, आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी जाली आई है इसके ऊपर। यहाँ पर हमने एक डार्क चॉकलेट लिया है, जिसे हमने मेल्ट कर लिया। इसके अंदर हम थोड़ा सा मिल्क डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने केक की 1 स्लाइस लिए, इसके ऊपर हम शुगर सिरप डालेंगे। व्हीप क्रीम डालेंगे और अच्छी तरह से फैला लेंगे। आपको पेस्ट्री के अंदर जितने क्रीम डालनी है आप उतनी डाल सकते हैं। हमने जो चॉकलेट को मेल्ट करके रखा है उसे डालेंगे और इस तरह से फैला लेंगे।
यहाँ पे एकदम बारीक चॉकलेट शेविंग बना ली, उसे इस तरह से डालेंगे। हमने चॉकलेट शेविंग को एकदम बारीक से कट कर लिया है ताकि जब हम पेस्ट्री कट करें तो बीच में चॉकलेट ना आए, चॉकलेट के बड़े पीसेस। तो दूसरी स्लाइस रखेंगे, शुगर सिरप डालेंगे, व्हिप क्रीम लगाएंगे। चॉकलेट गनाश डालेंगे और चॉकलेट शेविंग डालेंगे और तीसरी स्लाइस रखेंगे। अभी हमने यहाँ पे केक की तीसरी लेयर रखी, इसके ऊपर हम शुगर सिरप डालेंगे और व्हिप क्रीम लगा लेंगे। इस तरह से चारों अच्छी तरह से कवर करेंगे। वैसे इसे चॉकलेट पेस्ट्री में साइड से कवर करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि उसे हम कट ही करने वाले हैं। ऊपर से अच्छी तरह से क्रीम लगा लेंगे। ऊपर से चॉकलेट गनाश डालेंगे और अच्छी तरह से फैला लेंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा सा व्हिप क्रीम लिया, इसके अंदर हम थोड़े से चॉकलेट गनाश डालेंगे और मिक्स करेंगे। अभी हम केक के साइड्स को कट करेंगे। बीच में इस तरह से कट करेंगे। और इस तरह से हम इसके स्लाइस बना लेंगे। आप छोटे बड़े, आपको जिस साइज के चाहिए पेस्ट्री उस साइज के आप बना सकते हैं। हमने जो व्हिप क्रीम में चॉकलेट गनाश डाल के रखा था उससे इस तरह से हम छोटे छोटे फ्लावर्स बना लेंगे। तो ये देखिए चॉकलेट पेस्ट्री वैसे रेडी है। आप इसे इस तरह से ही रखना चाहते तो रख सकते, वरना आप इसके ऊपर चेरी भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पे चेरी लगाएंगे। अगर आप इसके ऊपर चॉकलेट बॉल्स वगैरह आप लगाना चाहते तो वो भी लगा सकते हैं।
तो यहाँ पे हमारी चॉकलेट पेस्ट्री रहेगी, इसे हम फ्रिज में रखेंगे आधे घंटे के लिए। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट बेकरी स्टाइल हमारी चॉकलेट पेस्ट्री बनी है, आप भी इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए कितनी अच्छी दिख रही है, आपको इसकी डिज़ाइन कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। आपके यहाँ अगर पार्टी वगैरह है तो आप इस तरह के भी बना सकते हैं, या आप जब चाहे तब बना सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस है, देखने में भी बहुत अच्छी, खाने में भी बहुत ही डिलीशियस है। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।